अक्सर आपको दुनिया में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता ही होगा, जिसपे आप यकीन तक नहीं कर पाते, लेकिन पता करने पर मालूम पड़ता है कि यह घटना सत्य है और फिर आपको उस पर यकीन करना पड़ता है। लेकिन बाद में फिर आप भी सोचते होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी आपके अंदर का जासूस जाग उठता है और फिर उसके बारे में सोचने लगता है। फिर बाद में लगता है कि हाँ यार सही ही है। लेकिन आपको कुछ अंदाजा लगाने से पहले आपको रुककर इस खबर को पढ़ना होगा कि आखिर कैसे शारीरिक संबंध बनाए बगैर आखिर कोई महिला गर्भवती कैसे हो सकती है। तो हम आपको अब इस बारे में बताने जा रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। हाल ही में कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब मामला हमारे सामने आया है, जहां 16 लड़कियां नहाने के बाद प्रेग्नेंट हो गई। आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, परंतु ये बिल्कुल सच्ची घटना है। यह घटना फ्लोरिडा का है, जहां एक स्विमिंग पूल में नहाने के बाद 16 लड़कियां एक साथ गर्भवती हो गई। इस बात ने बड़े बड़े वैज्ञानियों को भी आश्चर्य में डाल दिया है। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि भला नहाने से आखिर कोई महिला गर्भ कैसे धारण कर सकती है, क्योंकि नहाना तो आम बात है, इस कारण से कोई महिला माँ कैसे बन सकती है। तो हम आपको बता दें कि फ्लोरिडा में एक पार्टी के दौरान कुछ लड़कियां स्विमिंग पूल में नहा रही थी और पार्टी का मजा ले रही थी, मगर पार्टी के बाद उन्हें कुछ अजीबोगरीब लक्षण महसूस होने लगे। जब उनकी जांच की गई तो वे सभी एक साथ गर्भवती हो चुकी थी। इस बात को सुनकर लड़कियों के परिवार वालों के भी होश उड़ गए। दरअसल ये सभी लड़कियां अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहुंची थी। जानकारी के अनुसार ये सभी लड़कियां 13 साल से 17 साल की थी। पार्टी के दौरान सबने जमकर डांस किया और फिर स्विमिंग पूल में नहाने चली गई और जब घर लौटी तो उन्होंने खुद को गर्भवती पाया। वहीं जांच के बाद पता चला कि लड़कियों के मां बनने की असली वजह पूल में मौजूद पानी था। सोचने वाली बात है कि आखिर कोई पानी से कैसे गर्भ धारण कर सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद आपको नहीं पता चले, आपको बता ही देते हैं। इस खबर को सुनने के बाद जब विशेषज्ञों की एक टीम ने स्विमिंग पूल के पानी की जांच की तो उन्होंने पाया कि उस पानी में पहले से ही किसी पुरुष का स्पर्म यानी वीर्य फैला हुआ था। यही वीर्य शायद महिलाओं के योनि के अंदर किसी जरिए पहुंच जाने के कारण महिलाएं गर्भवती हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, इस प्रकार का यह दुनिया का कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी साल 2009 में पोलैंड की एक महिला इस घटना का शिकार हो चुकी है। दरअसल अपनी छुट्टियां व्यतीत करने के लिए एक महिला अपनी बेटी के साथ घूमने पोलैंड पहुंची थी।